हमारे भोजपुरिया स्टार्स अपने घर में लॉक हैं। भाई आपको तो सभी को पता है, कोरोना वायरस के चलते आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं शूटिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमारे भोजपुरिया स्टार हैं कि इन्होंने ठान ली है, भले ही हम घर में बैठे रहें तो क्या से, लेकिन अपने दर्शकों का, अपने फैंस का एंटरटेनमेंट करेंगे, और वो किसी न किसी माध्यम से तो करेंगे ही। अब आप अक्षरा सिंह को ही ले लीजिए, उनका एक गाना आपको याद है, कॉल करे क्या। जी हाँ, इस गाने ने 50 मिलियंस व्यू हासिल कर लिए हैं मात्र एक महीने में। जी हाँ, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है, किसी भी एक्ट्रेस को अपने एल्बम के लिए इतना बड़ा व्यूज़ नहीं मिला है। ये गाना अक्षरा सिंह का टिकटॉक पर भी बहुत फेमस हुआ, और तो और इसका प्रचार प्रसार करने में अक्षरा सिंह भी पीछे नहीं हटी, और अक्षरा सिंह ने ये गाना अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज़ किया, और आज ये गाना 50 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। भाई ये किसी भी स्टार्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, आजकल तो फिल्में भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं इतना बड़ा आंकड़ा, जिस कीर्तिमान को अक्षरा सिंह ने स्थापित किया है। ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री के मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है, जहां सिर्फ पुरुषों का दबदबा है, उनके गाल पे एक करारा तमाचा है। आपको बता दे, आज अक्षरा सिंह जो भी हैं अपने बलबूते हैं, कभी उन पे टैग लगता रहा कि वो पवन सिंह के बलबूते इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन अक्षरा सिंह ने ये बता दिया कि वो किसके बलबूते हैं, वो अपने दम के भरोसे हैं। अब लगातार अक्षरा सिंह के हर गाने जिस तरह से अपने रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, उन्हें देख के ये लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पवन खेसारी निरहुआ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाली है। वैसे भी अक्षरा के लिए एक और खुशखबरी है, आपको तो याद होगा लहंगा लखनऊआ सॉन्ग, वही जो रितेश और खेसारी के बीच दरार की वजह बनी, उस गाने को रितेश ने अक्षरा सिंह के साथ पिक्चराइजेशन कर रिलीज़ कर दिया है। उस गाने को रितेश पांडे ने अक्षरा सिंह के साथ मिलकर रिलीज़ किया, अब वो गाना भी एक महीने के अंदर अंदर 26 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। अक्षरा सिंह इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। अक्षरा सिंह को पता है कि वो क्या कर रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में अक्षरा सिंह ऐसे ही एल्बम अगर लाती रहीं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री की इकलौती मात्र ऐसी एक्ट्रेस रहेंगी जिस पर पैसा लगाने में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हिचकेंगे नहीं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।